नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कड़े पहरे में सियासी किस्मत। जी हाँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद सभी जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन स्ट्रांग रूम में जमा हो चुकी हैं। 3 दिसंबर को मतगणना से स्ट्रांग रूम से बाहर निकाला जाएगा इसे। स्ट्रांग रूम पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी लगाने के साथ ही सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। अलग अलग जिलों में कई तरीके के स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। कहीं पर 3 लेयर में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं तो कहीं बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे के जरिए चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ श्वेता दिलीप साहू छत्तीसगढ़ रायपुर से जुड़ गए हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रायपुर में जहां स्ट्रांग रूम में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, कैसे इंतजाम वहां पर नजर आ रहे हैं। जी दिलीप। जी बुसरा, बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी चुनाव, दोनों चरणों में चुनाव संपन्न होने के बाद सभी क्योंकि वोटिंग एक ही, जो गिनती है, गणना है, मतगणना होना है, वो एक ही दिन होना है 3 दिसंबर को। तब तक के लिए सभी जिलों में स्ट्रांग रूम में जितने ईवीएम मशीन है, वीवीपैट है और तमाम जो सामग्री है वो अब जमा कर दी गई है। और रायपुर जिले की बात करें तो रायपुर जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र है। रायपुर उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और रायपुर ग्रामीण के अलावा आरंग, धरसिवा और अभनपुर, इन सभी विधानसभा क्षेत्र की जो ईवीएम मशीन है उसको शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का स्ट्रांग रूम है वहां पर जमा किया गया है। और वहां पर अलग अलग रूम में अलग अलग जो विधानसभा वार जो ईवीएम मशीनें हैं उनको रखी गई है और उसकी कड़ी सुरक्षा पहरेदारी की भी व्यवस्था की गई है। 32 कैमरे लगाए गए हैं तमाम परिसर के अंदर और बाहर, ताकि एक एक क्षण की वहां निगरानी हो सके, कोई भी अवांछित व्यक्ति वहां ना जा सके। और सभी स्ट्रांग रूम, जहां जहां स्ट्रांग रूम में जो मशीनें, ईवीएम मशीनें रखी गई है, उसको सील किया गया है, सील पैक कर दिया गया है। बाहर से तमाम खिड़की दरवाजों को सील पैक कर दिया गया है। और सील पैक करने के बाद पहला जो लेयर है उसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के जवानों को तैनात किया गया है। वहां पर CRPF की जो जवान है, CISF की जो जवान है वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। उसके बाद जो परिसर के बाहर का जो एरिया है, मतलब उस पूरे संस्थान का, उसमें छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवान तैनात है, उनकी एक टुकड़ी दूसरी लेयर में तैनात किए गए हैं। और तीसरी लेयर में बाहर की जो पूरे सुरक्षा है उसकी देख रेख कर रही है जिला प्रशासन की ओर से जिला पुलिस बल के जवान, और लगातार निगरानी कर रहे हैं। और तीनों लेयर में तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है, अलग अलग स्तर पर हर आने जाने वालों की पहचान की जा रही है। और प्रमुख रूप से जो जिनके पास पास है, जो अधिकृत व्यक्ति है, जो खास करके सुरक्षा से जुड़े हुए, वही लोग अंदर आ जा पा रहे हैं और बाकी लोगों को किसी को भी प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। लेकिन स्ट्रांग रूम के अंदर कोई नहीं जा पाएगा क्योंकि उसके पहले से ही पूरे सील कर दिए गए हैं वहां तक। और साथ ही साथ स्ट्रांग रूम के बाहर और पूरे परिसर में अलग अलग कैमरे लगा दिए गए हैं, 32 कैमरे से निगरानी की जा रही है। और पूरे जो कैमरे लगाए हैं उसका बाहर का जो सीन है उसके लिए एक अलग से LED लगाई गई है। वहाँ सभी 32 कैमरे में क्या क्या गतिविधि हुए है, हो रहा है, उसे जो सामान्य व्यक्ति है वो भी देख सकता है। और खास करके जो राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि होंगे उन्हें भी देखने का अधिकार रहेगा और वहाँ वो बैठ कर उन तमाम चीजों की निगरानी भी कर पाएंगे। ये तो बात रही छत्तीसगढ़ रायपुर के ईवीएम कंट्रोल रूम के हाल की। अब जरा रुख मध्य प्रदेश की तरफ भी कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से कुमार संदीप और भोपाल से संदीप जुड़े हैं और जबलपुर से हमारे साथ अरविंद जुड़े हैं। संदीप, सबसे पहले आपके पास आएंगे, भोपाल में क्या हाल है कंट्रोल रूम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था का? हालांकि इसके पहले भी आपने जायजा लिया है, लेकिन अब स्थिति वहां पर सुरक्षा को लेकर के कैसी नजर आ रही है? क्या सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है, बढ़ाई गई है, या कैसे हालात वहां पर दिख रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए बुशरा, जो जिले की सातों विधानसभा सीटों कोई ईवीएम मशीन है उनके लिए पुरानी जिला जेल जो है वहां पर मतगणना स्थल पर इन ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। अगर बात की जाए पूरी की पूरी जो ये पुरानी जिला जेल है इसे छावनी में तब्दील किया गया है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, चाहे बात की जाए ड्रोन की तो ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जा रही है, या फिर जो डॉग स्क्वाड है उनसे भी जो जेल के आसपास का इलाका है वहां पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है इस वक्त आप देख हम तस्वीरों मैं दिखा सकते हैं कि जो स्ट्रांग रूम है उसकी कड़ी सुरक्षा जो है वो यहां पर की जा रही है। जो सीआरपीएफ की एक बटालियन होती है सीएपीएफ जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है वो सबसे पहले तैनात है स्ट्रांग रूम के अंदर जहां ईवीएम्स रखी हुई हैं, जहां पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग होगी वहां पर ये जो केंद्रीय सुरक्षा बल है वो तैनात किया गया है। दूसरे स्तर की जो सुरक्षा है उसमें जो स्टेट आर्म फोर्स है उसे लगाया गया है, विशेष सशस्त्र बल जो है वो तैनात है। और अंतिम अगर बात की जाए तो जो जिला पुलिस बल है या जेल का पुलिस बल होता है उसके हाथों में सुरक्षा की कमान है। इसके अलावा बात की जाए तो जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं अंदर जिनके माध्यम से लगातार जो है ईवीएम जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं उन तक उनकी जो लाइव फीड है वो पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा जो बिजली की आपूर्ति भी यहां पर तीन तरफ से सुनिश्चित की गई है। आप देख सकते हैं यहां पर इन्वर्टर भी की भी व्यवस्था की गई है अंदर जहां स्ट्रांग रूम है, इसके अलावा बाहर भी जो जनरेटर सेट होते हैं जगह तमाम तीन जगह ऐसे सेट लगाए गए हैं। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड का अमला भी यहाँ पर किसी अनहोनी से जो है उसको लेकर तैनात किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए बुशरा तो जिस तरह की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है, बीते 2018 के जो चुनाव थे उन चुनावों में जो हंगामा हुआ था जो ईवीएम की सुरक्षा को लेकर लगा, उसके बाद से जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं उनको स्ट्रांग रूम के बाहर ही जो है जगह दी गई है, जो कि यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जो यहाँ उन्हें पासेस मुहैया कराए हैं उन पासेस के माध्यम से जो है वो यहाँ पर निगरानी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि कर रहे हैं। कड़ी निगरानी के बीच ये जो जिला जेल है वो मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अस्थायी जो पुलिस चौकी है वो भी बनाई गई है और एसीपी स्तर के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। अब मान सकते हैं कितनी कड़ी निगरानी है। और हमारे साथ एसीपी मुख्तार जी हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, अभी भी जो सुरक्षा व्यवस्था का आलम है वो थ्री लेयर सिक्योरिटी का है, फिर भी किस तरह की और सुरक्षा व्यवस्था आप मानते हैं कि चाक चौबंद? जहाँ स्ट्रांग रूम है, सभी विधानसभा क्षेत्र की सभी ईवीएम्स वहाँ पे आ गई हैं और उसको सील करके लॉक कर दिया गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ का बल लगाया गया है जो इनर कॉर्डर में है, 24/7 लगातार 3 तारीख तक ये व्यवस्था जारी रहेगी। सीएपीएफ के बाद फिर एसएफ का बल लगाया गया है मध्य में, वो सुरक्षा दे रहा है। और बाहर की ओर जहां हम खड़े हैं इस स्थान पे ये व्यवस्था डीएफ के हाथ में है। तो थ्री लेयर सुरक्षा दी गई है 24/7। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है और सीसीटीवी कैमरास वो प्रत्येक स्थान पर लगे हैं स्ट्रांग रूम के अंदर भी और बाहर भी, उसका एक्सेस बाहर दिया गया है और स्क्रीन्स लगाए गए हैं अंदर स्ट्रांग रूम के बाहर, जहां प्रत्याशी अथवा उनके अधिकृत एजेंट यदि चाहें तो जाके देख सकते हैं। इस वक्त भी कुछ एजेंट्स वहां बैठे हैं जो स्ट्रांग रूम को देख रहे हैं। सर, अलग अलग पालियों में सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हैं क्या थ्री लेयर सिक्योरिटी के जितने भी पुलिस पर्सनल हैं या सेंट्रल के पुलिस पर्सनल? जी हाँ, ये 3 शिफ्टें लगाई गई हैं 8-8 घंटे की और 3 शिफ्टों में ये लगातार सिक्योरिटी का काम चल रहा है। सर, कितने सीसीटीवी होंगे अंदर या मॉनिटरिंग कितने जो ड्रोन है उनसे की जा रही है? 34 सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमराज लगे हैं अंदर और एक ड्रोन है जिसे समय समय पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ सर, डॉग स्क्वाड भी तैनात की गई है और बिजली की आपूर्ति बाधित ना हो इसके लिए अंदर इन्वर्टर्स भी लगाए गए? जी हाँ, ये जो BDDS बोलते हैं उसको, उससे डॉग से 2 या 3 बार प्रतिदिन चेकिंग करवाई जाती है और बिजली आपूर्ति बाधित ना हो उसके लिए जेट सेट और इन्वर्टर का इंतज़ाम यहाँ किया गया है। किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका से बचने के लिए फायर फाइटर भी यहाँ रखा गया है।
तो आप देख सकती है बुशरा, जो अलग अलग शिफ्ट वाइज यहाँ पर जो ईवीएम का स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जिले की सातों विधानसभाओं की जहाँ पर मतगणना होगी उसकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी निगरानी में है और लगातार जो है उसकी मॉनिटरिंग भी यहाँ की जा रही है। बुशरा, चलिए संदीप लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ जबलपुर से अरविंद भी लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, जबलपुर में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है? एक बड़े हॉल में रखा गया है, कृषि विश्वविद्यालय का ये परिसर है और ये हॉल है जिसे लिया गया है राज्य भारत निर्वाचन आयोग ने। इनका जो सबसे बड़ा हॉल है इसमें 8 सेक्टर बनाए गए हैं और 8 विधानसभा की ईवीएम अलग अलग स्तर पर यहाँ पर सेक्टर के हिसाब से रखी गई है। एक बड़ा हॉल है और इस हॉल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, इसकी सभी लाइट जला दी गई है, दिन जैसा उजाला इस हॉल के अंदर है और इसमें सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं और उसके बाद इस हॉल को पूरी तरह से पैक कर दिया गया है। इसके दरवाजे खिड़कियां सब कुछ सील कर दी गई हैं, अब इसके अंदर हवा भी नहीं आ सकती है, सिर्फ सीसीटीवी के माध्यम से और क्योंकि लाइट जल रही है इसलिए 24 घंटे इस हॉल के अंदर आसानी से देखा जा सकता है। और LED स्क्रीन बड़ी बड़ी लगा दी गई है ईवीएम सेंट्रल हॉल के बाहर, जिसमें राजनीतिक प्रेक्षक और कोई भी जनप्रतिनिधि या मीडियाकर्मी वहां पर आकर इन स्क्रीन के जरिए उस अंदर के सेंट्रल हॉल को देख सकता है जहां पर ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं। इस तरह से जो 24 घंटे निगरानी है ये बहुत आसान हो गई सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से। अब बात करते हैं सुरक्षा की, तो सेंट्रल हॉल की सुरक्षा के लिए CRPF, असम स्टेट, नागालैंड स्टेट और केरल स्टेट के जो सशस्त्र पुलिस के जवान है ये 150 जवान 4 शिफ्ट में बांटे गए हैं। 4 शिफ्ट में ये सशस्त्र जवान लगातार इस सेंट्रल हॉल की निगरानी करते हैं, जो बिल्कुल दीवारों से सटे हुए हैं, दरवाजे के सामने खड़े हैं, पूरी तरह से घेर के खड़े हुए हैं। इसके पास भी आना किसी के लिए संभव नहीं है क्योंकि यहाँ किसी का कोई काम ही नहीं है इसके अंदर आने का, इसलिए यहाँ पर किसी को पास में आने की अनुमति भी नहीं है। तो 150 सशस्त्र जवान इस पूरे सेंट्रल हॉल की दीवारों से सटकर निगरानी कर रहे हैं। आउटर सर्किल में 3 सर्किल में सिक्योरिटी दी गई है जहाँ पर की डिस्ट्रिक्ट फोर्स के सशस्त्र जवान तैनात है और ये जो 3 लेयर है सिक्योरिटी की ये काफी दूरी तक तय की गई है। इस तरह से जो पूरा परिसर है ये पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिया गया है और अब यहाँ पर बिना अनुमति के इस परिसर में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत सिक्योरिटी, बहुत पारदर्शिता के साथ यहाँ पर ईवीएम रखी गई है, किसी भी तरह की कोई यहाँ पर ऑब्जेक्शन या इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। राजनीतिक दलों के जो प्रेक्षक हैं, अभिकर्ता है, जिन्हें अनुमति दी गई है कि जाकर यहाँ पर वे अपनी निगरानी कर सकते हैं, तो वे यहाँ पर शिफ्ट के अनुसार वो लोग आते हैं, यहाँ पर देखते हैं और सभी लोग इस सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हो रहे हैं। तो अभी तक किसी तरह की शिकायत नहीं, बहुत बेहतर व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है सुरक्षा की और ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। सुरक्षा के दायरे में ही 3 दिसंबर की सुबह 7 बजे इन्हें बाहर निकाला जाएगा ऑब्जर्वर्स के बीच के सामने, राजनीतिक प्रेक्षकों के सामने और मीडिया के सामने। बिल्कुल, दिलीप के पास वापस लौटेंगे। दिलीप, ये तो बात रही प्रशासनिक सुरक्षा की, लेकिन देखा गया है ऐसे बहुत सारे अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें हमारे पास सामने आई हैं, जो प्रत्याशी हैं या उनके समर्थक हैं वो खुद भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए बाकायदा वहां पर स्टे कर रहे हैं, तो इस पर क्या जानकारी अभी तक निकल करके सामने आई है? जी बुशरा, पिछली बार हमने देखे थे जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उस दौरान जो खास करके कांग्रेस के, क्योंकि उस समय बीजेपी की सरकार थी, तो कांग्रेस के जितने जो कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के नेता लोग काफी आशंका जाहिर किए थे, तो उस दौरान जिला प्रशासन की ओर से एक व्यवस्था की गई थी कि उनके जो प्रतिनिधि है वे भी एक उनको पास जारी किया गया था, वो स्ट्रांग रूम के बाहर जो का एरिया है उनको उन जगहों पर कुछ जगह स्थल चिन्हांकित करके उपलब्ध कराई गई थी कि वहां से आप भी निगरानी कर सकते हैं अगर आप संतुष्ट नहीं है। इसी कड़ी में इस बार भी जो जनप्रतिनिधि है उनके जो जितने भी पार्टी के प्रतिनिधि है वो मतलब उनको समय समय पर अलग अलग विधानसभा वार उनको पास दिया जाएगा और उस पास के आधार पर भी उस परिसर में जाकर सीसीटीवी कैमरे जहां पे लगे हैं, स्क्रीन लगे हैं, वहां पर उनको जगह दिए गया है और वहां पर वो बैठकर चीजों की निगरानी कर सकते हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं लगभग सभी जिलों में सभी स्ट्रांग रूम के बाहर व्यवस्था की गई है, सुरक्षा लेयर के साथ साथ ही जो जनप्रतिनिधि है जो संतुष्ट नहीं है या व्यवस्थाओं को लेकर या उनको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है और वो चाहते हैं कि वो उनके भी जो एजेंट है या उनके प्रतिनिधि है वो लगातार निगरानी करें, तो उनके लिए भी एक व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से सभी जगह पर की गई है। इस तरह से किसी तरह की
कोई शंका ना हो और जो पारदर्शी है, पारदर्शिता है, वो किस तरह बरती जा रही है और किसी तरह की ईवीएम में कोई छेड़खानी नहीं हुआ है, ये तमाम चीज़ों को लिए मतलब जनप्रतिनिधि भी जाकर देख सकते हैं और अपनी जो बातें हैं वो रख सकते हैं और कहीं कुछ गड़बड़ी की शिकायत आती है तो उसकी सूचना भी उच्च अधिकारियों को दे सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएँ जिला प्रशासन की ओर से सभी जिलों में की गई है। जी बुसरा जी, संदीप के पास वापस रुख करते हैं। संदीप, मेरा सवाल आपसे भी यही है क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पर जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक हैं या जिस भी किसी विशेष पार्टी से ताल्लुक रखने वाले, वो खुद वहां पर स्टे करके सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं कि किस तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो कहाँ कहाँ ऐसी तस्वीरें, भोपाल का पहले आपसे पूरा रिपोर्ट लूंगी फिर और अन्य रिपोर्टर्स के पास। जी संदीप, अठारह का चुनाव जब हुआ था तो यहाँ पर काफ़ी हंगामा और तस्वीरें जो है वो सभी ने देखी हैं कि किस तरह से जो है कांग्रेस की तरफ से बार बार आरोप लगाए गए थे कि ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें हैं, रात रात भर डेरा यहाँ पर जो प्रत्याशी है जिनका भाग्य और भाग्य का फैसला 3 तारीख को होने जा रहा है वो भी अब पूरी तरह से सक्रिय है, समय समय पर उनके एजेंट्स आते हैं और अंदर जायजा या मुआयना ले रहे हैं बुशरा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं या जिले की जो टीम है जिनके ऊपर काफी कुछ सत्ता का भविष्य निर्भर करता है कि किस तरह से जो है प्रत्याशियों का भाग्य जरूर ईवीएम में कैद हुआ लेकिन व्यवस्थाएं कैसी है, चाक चौबंद है और जो चुनाव है सीधे तौर पर निष्पक्ष हो, इसको लेकर काफी प्रयास यहाँ पर किए गए हैं। तकरीबन जो 200 के आसपास का बल है वो यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं या प्रत्याशी हैं उनके आने जाने का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है। हालांकि इस बार जो बीते चुनाव में जिन राजनीतिक दलों को या जिन प्रत्याशियों या एजेंटों को बाहर जगह दी गई थी, इस बार पुरानी जिला जेल में उन्हें जो उनकी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर उनके विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम मशीनें रखी है वहां पर उन्हें जगह दी गई है और वहीं से वो उनकी सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। चूंकि तस्वीरें बीते चुनाव में ऐसी निकल कर आई थी साफ तौर पर जिनसे काफी हंगामा हुआ था और इसके बाद जो है लगातार प्रदर्शन होते रहे थे, ना केवल प्रादेशिक बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी तस्वीरें मध्य प्रदेश की आई थी और इसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने और ये व्यवस्था की है कि जो जिस विधानसभा क्षेत्र की के कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी या एजेंट हैं, वो इस स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बाहर से देख सकते हैं, उनके लिए जो है एक्सेस दिए गए हैं, जो सीसीटीवी कैमराज हैं वहां से वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं और पूरी तरह से जो है ईवीएम उनकी भी नजरों में बनी हुई है। इसी तरह की बात अगर पूरे मध्य प्रदेश की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो दी गई है। चूंकि जो निर्वाचन आयोग है उसके साफ तौर पर निर्देश थे कि जिस तरह के बीते 2018 के विधानसभा चुनाव जान लेते हैं कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर के कैसे इंतजाम ग्वालियर में नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ, 1662 मतदान केंद्रों की ईवीएम मशीन महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में रखी हुई है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और साथ ही 90 प्रत्याशी जो है इस 6 विधानसभा क्षेत्र में खड़े हुए थे जिनके भाग्य का फैसला अब बंद हो चुका है ईवीएम मशीन में। यहाँ पर सुरक्षा की त्रिस्तरीय जो व्यवस्था की गई है, बीएसएफ बल को लगाया गया है अंदर जहां पर ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम है वहां बीएसएफ बल को लगाया गया है, इसके साथ जो जिला पुलिस है उसको लगाया गया है, इसके साथ साथ पटवारी और तहसीलदार वो भी यहां पर मौजूद है और किसी भी बाहर के व्यक्ति को यहां आने जाने की इजाजत नहीं है, केवल वही लोग आ सकते हैं जिनकी या तो ड्यूटी लगाई गई है या फिर उनके या प्रत्याशी है या प्रत्याशी के जो समर्थक है जिनको पास दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से वही आ सकते हैं। 2018 में यहीं पर ईवीएम मशीन रखी गई थी, स्ट्रांग रूम बनाया गया था, उस समय लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे कि ईवीएम मशीनों में छेड़खानी हुई है, रात में भी उत्पात होता रहा, यही कारण है कि जो प्रत्याशियों के समर्थक है वो लगातार यहाँ पर खास करके कांग्रेस प्रत्याशियों के जो भी समर्थक है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं ईवीएम मशीन का यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। मैं कैमरामैन साथी से कहूंगा कि वो दिखाएं ये जो ईवीएम मशीन जो जहां पर रखी गई है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विधानसभा बार ईवीएम मशीन रखी गई है, जैसी लिखा है इसमें विधानसभा 16 ग्वालियरपुर ईवीएम मशीन, इसके साथ
जो नगर पालिका निगम की अग्नि सेवा भी कल यहाँ पर 24 घंटे मौजूद है कि किसी तरह से अगर कोई आगजनी की घटना होती है तो उस पर अंकुश लगाया जाए। स्ट्रांग रूम आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ये सारी जो पेटियां दिख रही है इसमें ईवीएम मशीन बंद है, और साथ ही ये जो लगाया गया है स्क्रीन लगाए गए हैं यहाँ पर, जितने भी कक्ष है ईवीएम मशीन जिसमें रखी हुई है उनको इसे यहाँ पर देखा जा सकता है कि वहां किसी तरह की कोई हरकत को नहीं हो रही। पल पल की जो जो वो घटनाक्रम है उसमें दर्द रहता है, अगर कोई पंछी अगर पक्षी भी अंदर जाता है किसी तरह से, किसी तरह परिंदा भी अंदर जाता है तो वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। और इसके साथ जो सुरक्षा बल है वो उनको भी यहाँ से देख सकते हैं कि अगर कुछ एक्टिविटी उनकी नजर आ रही है तो वो यहाँ से देखा जा सकता है। और ये जो प्रत्याशियों के समर्थक है वो भी यहाँ पर मौजूद है, दिन रात चौकसी कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई गड़बड़ी की आशंका ना हो, क्योंकि 2018 में जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था उसके साथ यहाँ पर चौकसी कर रहे हैं। हमारे साथ प्रत्याशियों के समर्थक भी मौजूद है, आप यहाँ पर बैठे किस तरह से सुरक्षित कर रहे हैं ईवीएम मशीनों की और क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किसकी तरफ से आप बैठे यहाँ पर? मैं माननीय प्रवीण पाठक जी की तरफ से बैठा हूँ, कांग्रेस प्रत्याशी है 17 ग्वालियर दक्षिण से, हमारे साथी भी बैठे हैं। और हम लोग प्रशासन ने वैसे व्यवस्था की है सुरक्षा की, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से भी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रत्याशी जी की तरफ से भी, हम सब लोग यहाँ सुरक्षा। अच्छा, जो प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की है ईवीएम मशीनों को लेकर, सीसीटीवी लगे है यार, आप कितना इनसे संतुष्ट है और क्या आशंका है आपकी यहाँ बैठे? हमको ऐसा लगता है कि जैसे कि बीच बीच में कैमरे कभी बंद हो जाते हैं, ये सारी चीजें होती है, उसको देखते हुए हमने लोग भी यहाँ कैमरों को सामने नोट कर रहे हैं, देखते हैं। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि कहीं कैमरे बंद हो गए, कुछ भाजपा कोई गड़बड़ ना करे, ये सब चीजें। आप भी बैठे हैं यहाँ पर, किस प्रत्याशी की तरफ से बैठे हैं, क्योंकि बीजेपी के लोग तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। मैं ग्वालियर बैठा हूँ अरजीत से, क्योंकि वो इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं, उनको तो गड़बड़ी करने की आदत ही है, 2020 में जैसे गड़बड़ी करके सरकार गिराई तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं पूरे होशो हवास में रहना है 3 दिसंबर तक काउंटिंग से पहले। क्या क्या दिखता है यहाँ पर कांग्रेस में? जो ईवीएम के स्ट्रॉन्ग रूम है वो दिखते हैं, सुरक्षा व्यवस्था दिखती है, कोई अंदर जाता है तो वो क्लियर इसमें दिख जाता है कि कोई अंदर गया कोई बाहर आया, तो इसलिए हम सच। रात दिन आप यही बैठे हैं, रात दिन मतलब यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग 24 घंटे मुस्तैदी से निगाह गड़ाए हुए हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप कैमरे में। विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ इंदौर से विकास सिंह सोलंकी भी जुड़ गए हैं। जी विकास, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर इंदौर में कैसी तस्वीरें? देखिए, इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान को लेकर जो है नेहरू स्टेडियम में जो है ईवीएम मशीन रही गई, आप देख सकते हैं स्ट्रांग रूम यह बनाया गया है। और खास बात यह है कि सबसे पहले जो है पुलिस बल तैनात है, उसके बाद जो है बीएसएफ के जो जवान है वह भी यहां पर मुस्तैदी से जो है तैनात है, और सभी स्ट्रांग रूम के बाहर जो है कैमरे से जो है सीसीटीवी कैमरे से जो है नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे को जो है पूरी तरह से सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो किए गए, वही जो है बाहर आप देख सकते हैं कि इस तरह की स्क्रीन भी जो है यहाँ पर लगाई गई है। स्क्रीन से भी जो अगर प्रत्याशी चाहे तो अपनी जो है स्ट्रांग रूम है उसकी वीडियो यहाँ इससे देख सकता है। आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर जो है स्ट्रांग रूम के बाहर जो है बीएसएफ के जवान जो है मुस्तैदी से जो है चौकसी कर रहे हैं। वहीं अगर किसी प्रत्याशी को आशंका होती है तो जिला निर्वाचन आयोग द्वारा जो है यहाँ पर जो है एलईडी भी लगाई गई है, उसका सीधा प्रसारण यहाँ पर दिखाया दे रहा है। सुरक्षा के तमाम जो है इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। प्रशासनिक अमले की बात की जाए तो आप देख सकते हैं या जो एसडीएम या जो प्रशासनिक अधिकारी जो है वह जो है चौकसी करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक अमलों के तमाम तैनात किया गया है। बाहर गेट की बात की जाए तो पुलिस बल जो है तैनात है। वहीं लाइट या किसी की तरह की समस्या आती है तो यहाँ पर 3 से 4 जो है जनरेटर की व्यवस्था जो है यहाँ पर की जाती है। अगर आगजनी की घटना होती है तो फायर ब्रिगेड भी जो है मुस्तैद है, तो तमाम जो है चौकसी करते हुए नजर आ रहे हैं। मतगणना जो है 3 दिसंबर को होना है, उसमें काफी 10 से 12 दिन का समय है, तो उसको लेकर सुरक्षा के तमाम व्यवस्था जो है इंदौर जिला प्रशासन द्वारा की गई थी। हालांकि 2018 में जो है कांग्रेस जी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है स्ट्रांग रूम के बाहर जो है बैठे थे कि किस तरह की गड़बड़ी की उन्हें आशंका थी, लेकिन इस वर्ष जो है कांग्रेस जी कहीं ना कहीं यहाँ पर चौकसी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो है प्रशासन ने यहाँ पर लाइव तस्वीरें दिखाने की व्यवस्था जो है कर रखी है, लेकिन किसी तरह की कांग्रेस ही यहाँ पर जो है नजर नहीं आ रहे। हालांकि सुबह शाम जो है कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पहुंचते हैं, चौकसी करते हुए नजर आते हैं। तो जी चलिए विकास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और बाकी जो हमारे साथ सहयोगी रिपोर्टर्स जुड़े थे उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।
और इसी के साथ ही हमारे खास पेशकश में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।